नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और लेनोवो अब भारतीय बाजार में अपना एक नया टैब भी लेके आ गई है जिसका नाम है टैब V7। और आप देख सकते हैं कि ये टैबलेट मेरे पास आ चुका है। मैं देख रहा हूं कि बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जो कि टैबलेट्स के बारे में जानना चाह रहे थे। आई होप कि उनको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और शायद वो उस टैबलेट को भी खरीदना चाहें। तो चलिए बिना किसी देर के सबसे पहले मैं बॉक्स को खोल के आपको कंटेंट दिखा देता हूं। तो यहां से मैं सेलो फिल्म निकाल लेता हूं इसकी। तो ये रहा इसका ऊपर का जो ऊपर स्लीव लगी होती है, इसकी स्लीव है, इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। और आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं कि टैब V7 इसके ऊपर लिखा है। और आपको बॉक्स कंटेंट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ आपको ये स्मार्टफोन मिल जाता है। इसको निकाल लिया जाए, स्मार्टफोन कहा मैंने इसको क्योंकि हमें आदत सी हो गई है स्मार्टफोन्स को एक्चुअली में रिव्यू करने के लिए, पर बेसिकली ये एक टैबलेट है। पहले अक्सर होता था कि इतने स्क्रीन साइज वाले फ़ोन्स को या यू नो टैबलेट्स को फैबलेट कहा जाता था, लेकिन लेनोवो ने इसको टैब नाम ही दिया है। लेनोवो टैब कह रही है इसको, टैब V7 इसका नाम है। आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। बाकी डिटेल्स के बारे में मैं आपको बाद में दूंगा, अभी बॉक्स कंटेंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक सिम इंजेक्शन टूल मिल जाएगा, तो आपको टाइप सी केबल मिल जाएगी, साथ ही साथ एक चार्जर आता है इसके साथ जिस पर लिखा है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, वारंटी कार्ड है और इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप इस टैबलेट को मार्केट में ख़रीदेंगे ये एक्सेसरीज आपको इसके साथ मुहैया करवाई जाएगी। अब बात की जाए इस टैबलेट के फर्स्ट इंप्रेशन की, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक रेगुलर स्मार्टफोन की तरह देखने में लगता है, सिर्फ स्क्रीन साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। टैबलेट वाली फील नहीं आएगी, टैबलेट यूजली थोड़े ब्रॉड हुआ करते थे और ऐसे दो हाथ से उनको इस्तेमाल करना पड़ता था, पर आप इसको एक हाथ में ही ईज़िली कैरी कर सकते हैं और एक हाथ से यूज़ तो नहीं कर पाएंगे पर आपको एक टैबलेट वाली फील इससे डेफिनेटली नहीं आने वाली। स्क्रीन जो है पूरी तरह से बेजलेस नहीं है, ऊपर और नीचे आपको बेजल्स मिल जाते हैं लेकिन थोड़े स्लीक बेजल हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है। एक्चुअली एक फुल विजन डिस्प्ले है, 6.9 इंच का IPS LCD फुल विजन फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले इस फ़ोन में आपको दिया गया है। और डिस्प्ले फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट है। आपको ये वाइट बैकग्राउंड दिखा दूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट है और टेक्स्ट भी आपको ठीक से दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी शार्प है डिस्प्ले, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। और टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है इसका। यूजुअली टैबलेट्स में प्रॉब्लम होती थी कि टच रिस्पॉन्स कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत देता था, पर इसमें ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। वहीं इसके अपीयरेंस और इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये यूनिबॉडी डिज़ाइन से बना हुआ है, डिज़ाइन पर बना हुआ है और पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिल्वर कलर की लाइनिंग दी गई है जो कि इसकी लुक्स को और भी एनहांस कर रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है इस लाइनिंग की वजह से। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है, ऊपर की तरफ है ये 3.5 मॉडी जैक, यहाँ राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर की दी गए हैं देख सकते हैं आप। नीचे की तरफ है यहाँ पर टाइप सी केबल और स्पीकर ग्रिल्स हैं। और यहाँ पर आपको एक और स्पीकर मिल जाता है, डुअल स्पीकर है, डॉल्बी एटमोस साउंड दिया, स्टीरियो स्पीकर है इसमें। तो मीडिया एंथुसियास्ट को ध्यान में रखते बनाया गया है, यहाँ पे भी एक स्पीकर है और यहाँ पे भी एक स्पीकर है, तो ऑडियो का काफ़ी अच्छा आपका इसमें अनुभव रहेगा। जब आप इसमें म्यूज़िक वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको अपने म्यूज़िक वीडियोस या फिर शोज़ या फिर कोई मूवी देखने पर, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इस टैबलेट में। इसके दूसरे इंटरनल स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट, 4 GB की रैम दी गई है और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। यहाँ पर आप स्टोरेज देख सकते हैं, 64 GB की स्टोरेज। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ, पहले मैं आपको ज़रा इसका स्टोरेज का ऑप्शन दिखा देता हूँ, एक्सपेंडेबल का ऑप्शन किस तरीके का दिया है इसमें। तो डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट है, आपको अपने सेकेंडरी सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, 2 सिम कार्ड डालिए और आप मेमोरी कार्ड डाल के भी इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रोसेसिंग में थोड़ा सा आपको शायद कमज़ोर लगे, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट है, लेकिन बैटरी वाइज बहुत ही अमेजिंग रहेगा, 5180 mAh की बैटरी दी गई है। तो आप इसमें दिन भर अपना कंटेंट देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स ऑलरेडी कंपनी ने इसमें लोड करके आपको दिया है। और वहीं कैमरा पर नज़र डालें तो 13 MP का रियर कैमरा है, 5 MP का फ्रंट कैमरा इस फोन में आपको मिल जाता है। एक बार छोटा सा डेमो कर लेते हैं कैमरा का। शटर स्पीड फास्ट है, कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। कैमरा क्वालिटी भी फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से डिसेंट लग रही है। अगर हम वीडियो क्वालिटी पर नज़र डालें तो बैक कैमरा से आप 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 5 MP का शूटर दिया है।
तो शटर स्पीड फ्रंट की भी काफ़ी अच्छी है और कैमरा क्वालिटी भी डिसेंट लग रही है फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से। और सेटिंग में जाके फ्रंट से भी आप देख सकते हैं कि फुल एचडी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, बोके मोड इसमें आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि बोके मोड का ऑप्शन नहीं है, नाइट मोड है, बोके मोड इसमें नहीं दिया गया ना फ्रंट में ना बैक पैनल पर। वहीं आपको बता दूं कि इसमें आपको एंड्रॉयड पाई मिल जाता है जिस पर आपको लेनोवो के ही यूआई की लेयरिंग मिल जाती है। नियर स्टॉक एंड्रॉयड है वैसे तो, पर कुछ परसेंट ट्विक किया हुआ है कंपनी ने इसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी फीचर्स आपको 14,990 रुपये में मिल रहे हैं। इसका जो 4GB रैम वेरियंट है वो आपको मार्केट से 14,990 रुपये में मिल जाता है। स्पेक्स वैसे इतने बुरे भी नहीं है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है जो कि मैं शुरू में बताना भूल गया, और सिक्योरिटी के लिए इसमें फेस अनलॉक मोड भी मिल जाता है। पर एनीवे, आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि क्या आप लेनोवो के इस टैबलेट को 15,000 रुपये के प्राइस में खरीदना चाहेंगे या फिर आप 15,000 रुपये किसी और स्मार्टफोन पे इन्वेस्ट करेंगे। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमेशा की तरह अगर आपको पसंद आए तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।